धाम में चल रहे पितृपक्ष मेले में देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्री पिंड दान कर रहे हैं। इसी बीच पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए बिहार के गया जी में तड़पण किया गया। यूक्रेन से आई सामाजिक कार्यकर्ता यूलिया जीटो मेरास स्काई ने विधि विधान के साथ पिंडदान किया। विदेशों में खास करके यूरोप में सनातन धर्म के प्रसार के लिए करने वाले पंडित लोकनाथ गौड़ ने मार्गदर्शन में फ्लूग नदी के तट पर यूलिया ने पिंडदान किया। कर्मकांड के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं की तरह कपड़े पहने और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन किया। यूक्रेन निवासी यूलिया जीटो मेरास स्काई पहले भी गया आ चुकी हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के साथ साथ अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान व तर्पण किया। शनिवार की सुबह फल्गु नदी के देवघाट तट पर यूक्रेनी युवती ने पूरे विधान के साथ एक दिन का पिंडदान किया। उन्होंने बताया कि गया जी में आकर वे बहुत खुश हैं और आगे भी आना चाहती हैं। आचार्य लोकनाथ गौड़ ने यूलिया को पूरी विधि विधान से कर्मकांड संपन्न कराया। यूलिया पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। यूक्रेन में रहकर ऑनलाइन चीन और दूसरे देशों के लिए काम कर रही हैं। वे बताती हैं कि युद्ध के दौरान रशिया के हमले में उनके माता पिता सहित परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। वहां पूरी तरह से अशांति फैली हुई है। युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध बंद कर शांति बेहाल होनी चाहिए। यूलिया ने बताया कि गया मोक्ष भूमि है, इसकी जानकारी उन्हें मिली थी। ये जानकारी उनके एक धर्म गुरु ने दी। गुरु जी ने बताया कि गया जी में अपने पितरों व पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। My name is Julia. I'm coming from Ukraine and my purpose is to commemorate all my sisters. And I feel this place is very powerful. And I'm so grateful to have the opportunity to be here. I feel this place is very special. And every time I'm coming here, because this is my second time, I feel so blessed. I feel so peaceful. And I feel my heart is getting calming down. My country's current situation is very hard. The war is still going and the people are still dying every day. Something is happening. The bombs are putting on the houses their people live in. It's very painful to see that. And hopefully the war is going to be over within the shortest period of time. All of us, we are praying for that. And hopefully all the wars being over, because now we can feel the price of the peace, and it's very high, so we should be grateful for the peace. वह दूसरी बार गया जी में पिंडदान कर रही हैं। पहली बार जब वे आई थी तो उन्हें काफी शांति महसूस हुई थी और अब वह दूसरी बार वहां पहुंची हैं। आज इस पावन धरती गया के पास, गया में यूक्रेन से भक्त आए हैं यहाँ पे। इसमें जो है 36 लोग आए हैं और बाकी लोग कल पिंड प्रदान करेंगे। और 36 लोगों में ये है यूक्रेन से यूलिया जितोमिरस्काया नाम से, जो इसकी ये पहली बार नहीं, दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई है। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि इनकी जो गुरु है नाटालिया सफरोनोवा, वो इनको स्फूर्ति दिए कि यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है, उस वार में जितने भी हत हो गए मरे, उनके लिए कुछ न कुछ तो मोक्ष का जो है मार्ग खुलना चाहिए। तो आप भारत भूमि में गया नाम के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे जो है सर सबके नाम से जो पिंडदान कर दीजिए बोल के, तो उन सबके नाम से जो है पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आई। हालांकि जो सफरोनोवा नाटालिया सफरोनोवा, ये जो है हिंदू जागृति बोल के जो है रशिया यूक्रेन और इसमें अपना यूरोप में प्रचार करती है, और ये सभी 5 लाख उसके शिष्य हैं उसके साथ। मुझे वो एक नियुक्त की है भारत और इसके बीच में जो है एक ब्राह्मण उन लोगों के लिए चाहिए था, तो मैं भी ये रशिया और इसमें अपना
यूक्रेन में प्रचार करता रहता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, ये सभी उनके फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में ये जो कर्मकांडी के लिए आते रहते हैं, सीखते हैं, ये सब अपने धर्म को कन्वर्ट करके हिंदू जो धर्म है उसको स्वीकार कर चुके हैं। कर्मकांड के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं की तरह साड़ी पहनी और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन किया।